हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छा किया, लेकिन इससे बेटर हो सकते हैं। बराबर, उस बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है? चलेगा। सुनो, तब तक तुम लोग दूसरे स्टैंड की तैयारी करो। अब तो पूरी तरह चल चुका है ये, लेकिन है कौन सर? पता नहीं, शक्ल पहचानने में नहीं आ रही है। अब क्या होगा सर? होगा क्या, अब सीआईडी को जाना पड़ेगा।
आइए सर, मैं इस ऑडिटर हूँ मैनेजर, मैंने आप लोगों को फोन किया था। अभिजीत, इतनी बुरी तरह से जल गया कि शक्ल भी पहचानने नहीं आ रही है। क्या ये आदमी तुम्हारे सामने ही जल रहा था? नहीं सर, जिस वक्त आग लगी उस वक्त मैं अपने केबिन में बैठा था। अचानक लोगों का शोर शराबा सुनकर मैं बाहर देखने चला आया, तब पता चला कि किसी ने इसे आग लगा दी है। इसे आग लगा दी है जानबूझकर? ये तुम्हें कैसे पता चला कि किसी ने इसे जलाया? अच्छा एक बात बताओ, तुम में से किसने देखा इस आदमी को जलते हुए पहले? साहब मैंने, मैंने सबको अंदर से बाहर बुलाया। तो इसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी ना, शायद ये आदमी बच जाता। कोशिश की थी साहब, देखिए मेरा हाथ भी जल गया, पर जब मैं अकेला आग नहीं रोक पाया तो मदद के लिए अंदर दौड़ा। अच्छा जब तुम सब लोग दौड़कर बाहर आए तब इस आदमी की हालत कैसे थी? क्या तड़प रहा था, चिल्ला रहा था बचाने के लिए? नहीं सर, हम लोगों ने इस आदमी को सिर्फ जलते हुए देखा है। आप लोग जानते हैं ये आदमी है कौन? नहीं सर, बताना बहुत ही मुश्किल है। कोई नहीं जानता। अभिजीत एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये आग लगी कैसे? लगी कैसे ये आग? अगर एक्सीडेंट से आग लगती तो आसपास भी आग लगनी चाहिए थी क्यों? लेकिन यहां पर ऐसे कुछ भी नहीं है। क्या किसी ने इस आदमी की जान लेने के लिए जानबूझकर तो आग नहीं लगाई इसे? नहीं सर, ऐसा घिनौना काम यहाँ पे कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये घिनौना काम हुआ तो है ना, और ये किसी अंदर वाले का ही काम है, कोई बाहर से आके यहाँ पे आग नहीं लगाएगा। क्यों? ये वॉचमैन क्या कर रहा था? तुम कहाँ थे जब आग लगी? कहाँ थे तुम? वो मेरी आँख लग गई थी। आँख लग गई थी? ड्यूटी पे सोता है? क्या करूँ सर, दूसरी वाली बिल्डिंग में नाइट का शिफ्ट करता, इसलिए कभी कभी दिन में आँख लग जाती है। कमाल है, मैनेजर अपने कैबिन में बैठा था, ये वॉचमैन सो रहा था। ये आग लगी कैसे, किसको लगी, किसी को कुछ भी नहीं मालूम। वाह। अच्छा तुम सब लोग कहाँ थे जब इस आदमी को आग लगी? सर वो मैं इन सबको कराटे की प्रैक्टिस करवा रहा था, जब इसने हमें मदद के लिए बुलाया हम सब फौरन बाहर आ गए। ये सारे लोग यहीं पे हैं या कोई गायब भी है? सर समीर या नहीं है। समीर? ये समीर कौन है? तो सर समीर अभी अभी हमारी टीम में शामिल हुआ है, और जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त उसकी एक आदमी से अंदर हाथापाई चल रही थी। हाथापाई? जी सर। कौन कौन है वो आदमी? सर इससे पहले हम लोगों ने उसे कभी नहीं देखा है। अरे एक अनजान आदमी बाहर से आके समीर के साथ अंदर ऑडिटोरियम में हाथापाई कर रहा है और आप लोग को मालूम नहीं कौन है वो? चलो ऑडिटोरियम चलो। समीर, 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 ये रहा समीर। मेरे क्या समीर? सही, तो मर चुका है। मर गया? मर गया? सचिन काम करो, तुम और कहाँ जाओ? देखो आसपास अच्छी तरह से, देखो कहीं चुप कर बैठा है क्या। चल अभिजीत, मान लिया कि झगड़ा हुआ था, लेकिन इसकी मौत हुई कैसे होगी? शरीर पर तो कहीं भी कोई गहरा जख्म दिख नहीं रहा। सर हो सकता है किसी नाजुक जगह पे चोट लग गई हो, ब्रेन हैमरेज हो गया हो या फिर हार्ट अटैक आ गया हो। सर जगह देख लिया, वो कहीं भी नहीं है। नहीं सर, कहीं भी कोई नहीं है। लगता है आग का फायदा उठा लिया, समीर को मारकर भाग गया यहां से। सर हो सकता है आग उसी ने लगाई, जब लोग बाहर थे उसी समय उसने समीर का काम तमाम कर दिया। एक बात बताइए, आप लोगों ने उस आदमी को अच्छे तरीके से देखा है?
उसका स्केच बनवा सकते हैं? जी। वेरी गुड, स्केच बनवा लो उस आदमी का। अभिजीत चल काम करो, दोनों भी लाशें फॉरेंसिक लैब में भेज दो, पता चलेगा मौत की वजह क्या थी। अरे लैब खाली, डॉक्टर सालुंके कहां गए? सालुंके साहब, डॉक्टर सालुंके, तारिका जी भी नहीं दिख रही हैं। तारिका जी, तारिका जी, कहीं सालुंके साहब और डॉक्टर तारिका डिनर के लिए तो नहीं गए साथ में? नहीं नहीं, मतलब ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, तारिका जी हर अरे घरे के साथ डिनर पे नहीं जाती है। अभिजीत इधर आओ जरा, ये तो इधर ही है। कम हियर, कम हियर। यस डॉक्टर साहब, यस। क्या मतलब था आपका कहने का मिस्टर अभिजीत? आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं और डॉक्टर तारिका एक साथ डिनर पर नहीं जा सकते? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि काम के टाइम पे डिनर की क्या बात हो सकती है आप? काम के टाइम पे? एक मिनट बॉस, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं और डॉक्टर तारिका हर रोज साथ में खाना खाते। वो सब रहने दीजिए, आप ये बताइए कि ये उबाल कर रहे हैं आप? खोपड़ी किसकी? उस मुर्दे की, ताकि खोपड़ी पर से बचा खुचा मांस भी साफ हो जाए और हम इस खोपड़ी के जरिए मौत की वजह ढूंढ सके। मौत की वजह? मौत की वजह साफ है, मौत जलने की वजह से हुई है, 15-20 लोगों के सामने हुई है। जी नहीं, आपको गलत फहमी है, आइए आप मेरे साथ। अभिजीत साहब, इस आदमी की मौत 3 दिन पहले हुई, और आज जो इसे जलाया गया था वो तो इसकी लाश थी। बड़ी अजीब बात है, खूनी को अगर लाश जलानी थी तो किसी सुनसान जगह पे जला देता, ऑडिटोरियम में सबके सामने क्यों? हाँ, और ये लाश 3 दिन से थी कहाँ पे? अभिजीत वो बाद में सोचेंगे, पहले देखते हैं कि खोपड़ी हमें क्या कहानी सुनाती है। आओ जरा। हो हो, ये देखो बॉस, ये इसके सर पे वार किया गया है, कैसे पिचक गया? किसी भारी चीज से वार किया गया सर पे। और ये नहीं बॉस, ये इसका चेहरा देखो, ये देखो, लगता है 2-3 बार वार किया है इसके चेहरे पर भी। खूनी को शायद डर हो गया कि कोई इस लाश को पहचान न ले, इसलिए उसने इस आदमी का चेहरा बुरी तरह से खराब कर दिया। खराब कर दिया तो कोई बात नहीं, डॉक्टर साड़ू के किस मर्ज की दवा है, ये बना देंगे दोबारा चेहरा, क्यों डॉक्टर साहब? नहीं अभिजीत, इस आदमी का चेहरा तो बुरी तरह से कुचल गया, चेहरे की हड्डियां भी टूट गई है। मैं तो क्या, कोई भी एक्सपर्ट इस आदमी का चेहरा तो नहीं बना सकता। ये लो, हम इनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, ये बताएंगे इस आदमी की आइडेंटिटी, इन्होंने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए। तारिका जी होती ना, इस आदमी की आइडेंटिटी तक तुम्हें ये एक्सरेज दी जाएंगे। अरे वाह, देखा, डॉक्टर हो तो तारिका जी जैसे, कैसे फटाफट सबूत ढूंढ निकाला। हाँ तो तारिका जी, कैसे क्या बताते हैं ये एक्सरे? इन एक्सरे के मुताबिक इस आदमी की हड्डियाँ 3 बार टूट चुकी है। 3 बार हड्डियाँ टूट चुकी थी? एक बार कलाई की, एक बार एडी की, और एक बार घुटने की। कमाल है, ऐसा क्या करता था ये आदमी जो 3 बार फ्रैक्चर हुआ? ये तो आप लोग पता लगाइए। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। अब इस समीर की मौत पे भी कुछ रोशनी डाल दीजिए सारों के साथ। मुझसे कुछ कह रहे हो क्या? हाँ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वो खड़ी है ना डॉक्टर तारिका, इंटेलिजेंट डॉक्टर तारिका, तो पूछो ना, डॉक्टर तारिका से पूछ लो, इंटेलिजेंट। अरे डॉक्टर साहब, आप जरा जरा सी बात पे भड़क जाते हैं। अब अभिजीत का वो मतलब नहीं था। वो मतलब नहीं था? व्हाट यू मीन बाय वो मतलब नहीं था? अच्छा, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी क्या होता है जरा पूछो उससे। हाइपर कार्डियो नहीं,
क्या क्या कहा आपने? हो गया ना भाई साहब, मेडिकल की बड़ी से बड़ी डिक्शनरी उठा करके देखोगे ना, नहीं मिलेगा। एक काम करो ना, वो खड़ी है ना डॉक्टर तारिका, उनसे पूछो, वो बताएंगे। हाँ क्यों नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। हाँ। तारिका जी आप बता ही दीजिए डॉक्टर साहब को, इन्हें पता चल जाए कि आप कितनी इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता। क्या हो गया ना, हो गया। आइए अब जरा काम की बातें कर ले, आइए। आपको इतना सब नहीं पता? बॉस इस आदमी को हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी नाम की बीमारी थी। ऐसी बीमारी में आदमी का दिल आम इंसान के दिल से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है, और जब किसी ने इसके सीने पर मुक्का मारा, इस बेचारे के दिल की धड़कनें बंद हो गई और ये हार्ट अटैक से मर गया। मतलब किसी इंसान का दिल अगर जरूरत से ज्यादा बड़ा है और उसके सीने पर चोट लग जाए तो वो मर जाएगा? नहीं, हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे इस बेचारे के साथ हो गया। जिस आदमी के साथ समीर की लड़ाई हुई, उसे शायद पहले से मालूम होगा समीर के इस हालत के बारे में, तभी उसने ठीक दिल पे मुक्का मारा। ऑडिटोरियम चल के ही पता करते हैं है कौन वो आदमी जिसने समीर के दिल पे मुक्का मारा। उन कराटे के खिलाड़ियों ने उस आदमी का स्केच बनवाया है जिसके साथ समीर का झगड़ा हुआ था। जरा देखो इसे, पहचानते हैं आप लोग? क्या हुआ है, मुंह पे ताले क्यों लगे? मुजरिम को बचाने वाला भी उतना ही बड़ा गुनहगार होता है। अगर जानते हो तो चुपचाप बता दो। ये केशु है। केशु? कौन है ये केशु? इस ऑडिटोरियम में साफ सफाई किया करता था। करता था मतलब? पिछले हफ्ते मैनेजमेंट ने इसे नौकरी से बाहर निकाल दिया। नौकरी से बाहर निकाल दिया क्यों? समीर ने इसकी शिकायत करती थी। कैसी शिकायत? उसने केशव पर चोरी का इल्जाम लगाया था। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। केशव समीर पर बहुत भड़का हुआ था। जाने से पहले उसने समीर को धमकी दी थी कि उसे जान से मार देगा, और उसने धमकी को पूरा भी कर दिया। ये केशव रहता कहाँ है? जी अंबावाड़ी में। अंबावाड़ी? सर ये इलाका मैंने अच्छी तरह से देख लिया सर। यहाँ की दीवारें बहुत ऊंची है सर, और उसके ऊपर कांच लगे हुए हैं। इतनी ऊंची दीवारों से लाश को अंदर लाना नामुमकिन है सर। इसका एक ही मतलब हो सकता है सचिन, ये लाश पिछले 3 दिनों से ऑडिटोरियम में ही थी। सर ये जिस किसी का भी काम है ये कोई अंदर वाला है, क्योंकि बाहर वाले को कैसे पता होगा कि ऑडिटोरियम में लाश छिपानी कहाँ है। खूनी कोई ऐसा आदमी जो इस ऑडिटोरियम और आसपास के एरिया का चप्पा चप्पा जानता है। पिछले 3 दिनों से लाश को छुपा के अगर रखा है तो कहाँ और कैसे? किसी को तो पता चलना चाहिए था, बदबू आनी चाहिए थी। तो शायद किसी ऐसी जगह पर छुपा कर रखा हो जहां से बदबू बाहर ही ना आए। हाँ हो सकता है। एक बात बताओ, इस ऑडिटोरियम में या उसके आसपास कोई ऐसी जगह है जहां पर कोई आता जाता नहीं है? एक पुराना गोडाउन है साहब, वहां तो कोई आता जाता नहीं। पुराना गोडाउन? क्या हुआ, क्या बात? सब मेरा पति साहब वो वाली मदद कर रहे हैं साहब, वो अंदर है, दरवाजा नहीं खोल रहे हैं साहब। दरवाजा नहीं खोल रहा? क्यों, क्या बात? पता नहीं साहब, बहुत परेशान था वो, अपने आप को कहीं मार ना ले साहब। वो वाली मदद करो साहब, करे साहब। केशव, केशव दरवाजा खोल। केशव? तुम्हारे पति का नाम केशव है क्या? आप इधर आइए, इधर आइए। अरे केशव, क्या कर रहे थे तुम? क्या कर रहे थे? एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में, अपने बच्चे के बारे में? तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो हमारा क्या? मैं जीना चाहता हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ मैं। अरे हमारे बारे में तो सोचा होता ना। एक मिनट, आप प्लीज बाहर जाइए, बच्चे को लेकर जाइए, हम इनसे कुछ बात करनी है। प्लीज जाइए। फांसी पे चढ़ने का बहुत शौक है, हैं? तेरा ये शौक कानून पूरा करेगा, समझा? कानून? हाँ कानून। समीर का खून किया ना तूने? समीर मर गया क्या? अच्छा, अब भोला बन रहा है?
पहले समीर का खून किया, पूछता है समीर मर गया क्या? मैंने नहीं मारा उसे, मैं तो बस उसके साथ हाथापाई करने गया था। क्यों झगड़ा क्यों करने गया था समीर के साथ? चोर कहा था उसने मुझे, चोर नहीं हूं मैं, उसकी वजह से मेरी नौकरी गई थी। आज 3 दिन से मेरे बीवी बच्चा कुछ नहीं खाया, इसलिए मैं मरना चाहता हूं, अपने बच्चों की हालत नहीं देखना चाहता। खुद को फांसी लगा के एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बाद तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या होगा, कैसे रहेंगे वो लोग? चाहे तुमने ये सब जानबूझ के किया है या नहीं, सच्चाई तो यही है तुम्हारे मुक्के की वजह से समीर की मौत हुई। कानून की नजर में तुम्हें खूनी हो। अब रोने से क्या फायदा है? ना तो तुम चोरी करते, ना ये दिन देखना पड़ता। मैं चोर नहीं हूं, मैंने चोरी नहीं की है। फिर समीर ने तुम पे चोरी का इल्जाम क्यों लगाया? तो उससे मैं पूछने गया था कि उसने मेरे पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया, और पूछते पूछते खून कर दिया है? तुम चलो हमारे साथ चलो। मुझे छोड़ दिए साहब, मैंने खून नहीं किया साहब, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा साहब? तुम्हारे बीवी बच्चों का ख्याल हम रखेंगे, और तुम्हारा फैसला अदालत करेगी। चल उठ। ये रहा साहब पुराना गोदाम। कितनी बदबू, इसका मतलब है लाश को यहीं पर कहीं छुपा के रखा था, इसी जगह में। सचिन, काजल, जगह का कोना कोना छान मारो, देखो अच्छी तरह से कुछ मिलता है क्या। सचिन आओ। हाँ सर, सीधे जाके लिफ्ट। हाँ सीधे देखिए, इसमें सूखा हुआ खून लगा हुआ। प्लास्टिक का शीट और सूखा हुआ खून, इसका मतलब है लाश को इस प्लास्टिक के शीट में लपेट कर रखा था। आर्टिफिशियल स्वीटनर, तो इसे चीनी की जगह यूज किया जाता है। नॉर्मली डायबिटीज के पेशेंट्स यूज करते हैं। इसका एक ही मतलब हो सकता है, या तो मरने वाले को डायबिटीज थी, या फिर खूनी को डायबिटीज है। सर एक बात समझ में नहीं आई, खूनी ने जब लाश जलाई तो वो गोडाउन से लेकर आया होगा, और गोडाउन से लाश लाते वक्त उसे यहाँ इस फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर से गुजरना पड़ा होगा, यहाँ से फिर वो मेन एंट्रेंस से बाहर निकला और यहाँ पे उसने लाश जलाई। तो इस पूरे रास्ते पे उसे किसी ने देखा कैसे नहीं? वही तो, किसी ने देखा कैसे नहीं? ये कराटे वाले बच्चे ऑडिटोरियम में प्रैक्टिस कर रहे थे, वॉचमैन सो रहा था और मैनेजर कैबिन में बैठा था, बस खूनी ने मौके का अच्छा फायदा उठाया, लाश को जलाया और गायब हो गया। सर जिस वक्त ये सब हो रहा था, तब केशव ऑडिटोरियम में चोरी छुपे घुस रहा था, तो हो सकता है उसने किसी को देखा हो कॉरिडोर से लाश ले जाते हुए। हो सकता है, जरा इस केशव को बुलाना। सर कोई ना कोई तो है, ये ऑडिटोरियम वाले या फिर स्टंट ग्रुप में से कोई, जो हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। सर केशव, इधर आ। जी। ये ऑडिटोरियम का ड्राइंग है, उस दिन तुम अंदर कहां से घुसे थे और कैसे घुसे थे, बताओ जरा। यहाँ इधर से,
ये मेन गेट से मैं जंप करके इधर आया, यहाँ से दौड़ता हुआ सीढ़ियों पर चढ़कर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा, फिर यहाँ कॉरिडोर से होता हुआ ऑडिटोरियम में गया मैं। जब तुम फर्स्ट फ्लोर पे गए तो क्या तुमने किसी को देखा लाश को ले जाते हुए? हाँ, लाश नहीं। जरा अपने दिमाग पर जोर डालो, याद करो, और किसी को देखा वहां पर? दो आदमियों को देखा था मैंने। दो आदमियों? हाँ। कौन थे वो? नहीं, मैं उनका चेहरा नहीं पहचान सका, वो लोग मेरी तरफ पीट करके खड़े थे। अच्छा, कहाँ पे? ये कॉरिडोर है ना, यहाँ खड़े थे। मैं तो छुपते छुपाते आया था। अच्छा, ही वो लोग मेरी तरफ पीट करके खड़े थे। सर, हो सकता है केशु को देखकर उन लोगों ने लाश छुपा दी और पीट करके खड़े हो गए। सचिव, काम करो, ऑडिटोरियम में फिर से जाओ और अच्छी तरह से पता लगाओ, देखो इन दो आदमियों के बारे में कुछ पता चलता है क्या। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने हमें ऐसे अर्जेंटली बुला लिया जैसे आपको खूनी का पता चल गया। बिल्कुल दया, मुझे पता चल गया है इस जले हुए आदमी को किसने मारा। अरे तो फिर फटाफट उसका नाम बताइए ना, जाके गिरफ्तार कर लेते हैं उसे। नहीं नहीं अभी जी, उसे गिरफ्तार करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो यही है हमारे बीच। कैसी बातें कर रहे डॉक्टर साहब, यहाँ तो हम लोगों के अलावा और कोई नहीं है। है ना, और कोई भी है? ये समीर, बॉस, इस समीर ने मारा है इसे। ये देखो, ये जो स्वीटनर की बोतल तुम लोगों को मिली है गोदाम में से, बॉस, इसी किस्म का स्वीटनर मुझे इस समीर के पेट में से मिला है। हो सकता है कि समीर जब इस लाश को गोदाम में रख रहा था, ये स्वीटनर की बोतल इसकी जेब में से गिर गई। हो सकता है डॉक्टर साहब किसी और ने ये स्वीटनर वहां रख दिया हो सिर्फ समीर को फंसाने के लिए। हाँ, सभी लोगों को मालूम होगा कि समीर ऐसा स्वीटनर इस्तेमाल करता था, पर ऐसा स्वीटनर तो कहीं भी मिल सकता है दुकान में। मिल सकता है अभिजीत, ऐसा स्वीटनर तो मिल सकता है, मगर ये जो प्लास्टिक, जिस प्लास्टिक में इस लाश को लपेट करके रखा गया था जलाने से पहले, इस प्लास्टिक पे मुझे इस समीर की उंगलियों के निशान मिले। डॉक्टर साहब, जब इस आदमी की लाश जलाई जा रही थी तब ये समीर ऑडिटोरियम के अंदर था, केशु के साथ लड़ रहा था, तो फिर इसकी लाश किसने जलाई? हो सकता है इस खून में समीर के साथ उसका कोई पार्टनर मिला हुआ। हाँ, ये हो सकता है। चलो, अभी तक का केस सॉल्व हो गया है, इस आदमी को समीर ने मारा और समीर को केशु ने मारा। अब सिर्फ हमें ये पता लगाना कि समीर का वो पार्टनर कौन है जिसने इस आदमी को जलाया है। एक मिनट अभिजी, केस अभी सॉल्व नहीं हुआ। समीर की मौत का कारण केशु नहीं है, इसकी मौत का कारण कोई दूसरा आदमी। क्या मतलब? समीर की मौत केशु के मुक्के की वजह से हुई है। मानता हूं दया, केशु का मुक्का एक वजह है, मगर इस समीर की मौत का असली कारण वो आदमी है जिसकी वजह से इस समीर का दिल इतना बड़ा हो गया कि एक मामूली सी लड़ाई में भी बेचारा मारा गया। तो फिर वो आदमी कौन है जिसकी वजह से इस समीर को दिल की बीमारी हुई? बस वो आदमी ऐसा है जिसने इस समीर के स्वीटनर में एक खास किस्म का ड्रग मिलाया है। स्वीटनर में ड्रग? हाँ दया, हमें इस समीर के स्वीटनर में एक खास किस्म का ड्रग मिला है, रे ऑल सॉप नाम का, जिसकी वजह से इसके दिल का साइज इतना बड़ा हो गया कि एक मामूली से झगड़े में भी ये बेचारा मारा गया। तो ये भी तो हो सकता है कि जिस आदमी ने इसके स्वीटनर में ड्रग्स मिलाई है उसे ये भी मालूम हो कि केशु समीर से लड़ने आने वाला है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उस आदमी को पता होगा इस बात का और इसीलिए उसने इसके स्वीटनर में वो ड्रग मिला दी ताकि केशु आए, एक मामूली सा झगड़ा हो और इसकी मौत हो जाए। ओके, थैंक यू सांगे साहब, थैंक यू वेरी मच। कहां पर खड़े थे वो? चलिए, ये यहीं पे खड़े थे दोनों। वो दोनों यहाँ पे खड़े थे, पर तुम कहाँ थे उस वक्त? हम अभी जहाँ से अंदर आए ना वहीं से मैं उनको देख रहा था। तो तुम वहाँ पे थे और वो लोग यहाँ खड़े थे, फिर तो तुमने कुछ भी नहीं सुना होगा कि वो लोग क्या बातें कर रहे थे।
नहीं कुछ नहीं छोड़ा। वैसे तुम्हें कुछ याद है कि वो लोग यहाँ पे खड़े होके क्या कर रहे थे? एक आदमी यहाँ खड़ा था और दूसरा आदमी ये यहाँ खड़ा था, दोनों ऐसे खड़े थे, दोनों यहाँ छुप के बाहर की तरफ खड़े थे मतलब। अच्छा एक मिनट हटिए, सर वो देखिए कुछ बॉक्स जैसा लग रहा है। आने के लिए क्या हो सकता है देखो सर। इसमें तो जले हुए पेपर्स हैं। जले हुए पेपर्स? ये है समीर का घर। ये से ज्यादा कुछ सामान है नहीं यहां। शायद अकेला रहता था इसलिए। ये देखो पुराना अखबार, मैट्रेस के नीचे छुपा के रखा था, शायद कोई जरूरी बात छपी है इसमें। पड़े पड़े बिल्कुल घिस गया है, क्या हो सकता है? कराटे चैंपियन, ये फोटो में किसी को कराटे का अवार्ड मिल रहा है। ये समीर भी तो कराटे का स्टूडेंट है। समीर फोटो बिल्कुल घिस गई है, पता नहीं चल रहा है। जबलपुर टाइम से काम करते हैं, इस अखबार के ऑफिस से इस आर्टिकल की एक साफ कॉपी मंगवा लेते हैं, पता चल जाएगा चक्कर क्या है। लगता है ये सारे पेपर्स उन्हीं दोनों ने जलाए जिसे केसू ने वहां पे देखा था। हाँ सर जरूर, इन कागजों में सबूत छुपा होगा, अभी तो जला के राख कर दिया इसे। हाँ निखिल, CID तो राख में से भी कुछ ना कुछ ढूंढ लेती है, देखते हैं क्या मिलता है। ये देखो निखिल, इसके ऊपर किसी क्लिनिक का नाम लिखा है, डॉक्टर प्रवीण कुमार राजशिला क्लिनिक जबलपुर। सर कहीं इस लिफाफे में खूनी की मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं थी? हो सकता है निखिल, ये तो हमें जबलपुर जाने के बाद ही पता चलेगा। अभिजीत सर? हाँ सर। हाँ सर, एक जला हुआ लिफाफा मिला है सर, उस पे जबलपुर के किसी क्लिनिक का एड्रेस है सर। हाँ, डॉक्टर प्रवीण कुमार राजशिला क्लिनिक जबलपुर। हम लोग मुंबई से आए। कमाल है, लोग जबलपुर से इलाज कराने मुंबई जाते हैं और आप मुंबई से जबलपुर आए हैं? ऐसा कभी कभी हो जाता है, CID को कभी कभी मुंबई से आना ही पड़ता है। क्या CID? जी हाँ। आप जरा ये लिफाफा देखिए, ये आपके यहाँ का है? हाँ ये है तो हमारे क्लिनिक का, पर ये जला कैसे? पहले आप ये बताइए कि लिफाफे में आप क्या रखते हैं, क्या रख के बेचते हैं आप लोग? क्या हुआ अर्चना, एनी प्रॉब्लम? सर ये लोग CID से हैं। हेलो, मैं डॉक्टर प्रवीण, क्या मदद कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब हमें इस लिफाफे के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी, क्या बता सकते हैं कि आप इस लिफाफे में क्या रख के भेजते हैं? ऐसे टाइप के एनवेलप्स में हम पेशेंट को एक्सरे और एक्सरे की रिपोर्ट देते हैं। अच्छा आप बता सकते हैं ये एक्सरे आपने किसको दिए थे? थोड़ा मुश्किल है बताना। अच्छा इस नंबर से कुछ पता चल सकता है? हाँ ये बता सकते हैं। अर्चना जरा जाके चेक करो 321 नंबर हमने किसे दिया है। जी सर। जल्दी, आई जस्ट चेक इट सर। मिल गया सर, देखिए यहाँ पे समीर कुमार लिखा है। समीर का नाम? पर
किसी ने समीर के एक्सरेज क्यों जलाए होंगे? एक्सरेज में कुछ कुछ खास बात होगी, तभी कोनी ने उन्हें जला दिया है। डॉक्टर साहब जी, इन एक्सरेज के डुप्लीकेट कॉपीज मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल जाएंगे। तो ये एक्सरे समीर के हैं जी। चोर, कोई गलती तो नहीं हो रही? गलती कैसी, जबलपुर जाके क्लिनिक के अंदर खुद हमने पता किया है ये एक्सरे समीर के हैं। ओके, एक मिनट होल्ड ऑन। बॉस, अगर ये एक्सरे समीर के हैं तो फिर ये एक्सरे किसके हैं? ये एक्सरे इस जले हुए आदमी के हैं जो डॉक्टर तारिका ने निकाले थे। बिल्कुल बिल्कुल, वही एक्सरे। तो भाई साहब, मेहरबानी करके आप जरा ये एक्सरे मैच करके देखिए। ये तो एक ही जैसे। ये जरा ये भी देखो। माय गॉड, ये तो ये सारे एक एक जैसे एक्सरे हैं। एक जैसे नहीं है बॉस, एक ही आदमी के हैं। इस आदमी क्या, इस आदमी के? मतलब क्लिनिक वालों ने बताया कि ये एक्सरे समीर के हैं? तो फिर यही असली समीर होगा। अगर ये असली समीर है तो फिर ये कौन है, नकली समीर? मतलब इस आदमी ने इसको मारा क्योंकि ये इस असली समीर की जगह लेना चाहता था, मगर क्यों, किस लिए? अब समझ में आया सर, इस नकली समीर के घर में हमें कोई भी कागज, फोटो या आइडेंटिटी वगैरह क्यों नहीं मिली? अब ये उसे डर था उसकी पोल खुल जाने का, इसलिए उसने अपने घर में ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ा जिसकी वजह से उसके आइडेंटिटी के बारे में पता चले। तो हमें अखबार के ऑफिस से फोटो मिली। हो, ये है असली समीर। ये देखो ट्रॉफी ले रहा है। हाँ सर, जिसे हम समीर समझ रहे थे वो कुणाल है। तो ये कुणाल जो है समीर की जगह लेना चाहता था, इसलिए उसने समीर का खून कर दिया और खुद स्टंट ग्रुप का हिस्सा बन गया। हाँ सर, और ऑडिटोरियम में समीर को कोई भी नहीं जानता था, इसलिए कुणाल को ही असली समीर समझ बैठे। अभिजीत, अगर कुणाल ने समीर को मारा है तो फिर कुणाल को किसने मारा? वो कौन है जिसने कुणाल को रियोल सॉप नाम का ड्रग दिया जिसकी वजह से कुणाल का हार्ट बड़ा हो गया? सर, ये कुणाल का पार्टनर ही होगा जिसने समीर की लाश जलाई, क्योंकि जब समीर की लाश बाहर जलाई जा रही थी तो कुणाल केशु के साथ अंदर फाइट कर रहा था। तो फिर अभिजीत, ये ऑडिटोरियम वालों से ही पूछते हैं कि कुणाल का असली पार्टनर है कौन? एक आदमी इतने दिनों तक नकली समीर बन के यहाँ पे कराटे सीखता रहा और आप लोगों में से किसी को कुछ भी पता नहीं चला? सर, सचमुच हमें पता नहीं था। दरअसल एक टीवी कॉन्टेस्ट जीतने के जरिए वो हमारे ग्रुप में शामिल हुआ था। देखो, ये सब बहाने बंद करो, कम से कम उसका आईडी तो देख सकते थे कि असली है कि नकली। हाँ सर, हमें क्या पता था कि कोई आदमी हमारी टीम में शामिल होने के लिए इतनी लंबी प्लानिंग कर सकता है। पर प्लानिंग तो की है ना उसने, और खून भी किया है बस कुणाल ने। सर, क्या कहा आपने, कुणाल? हाँ कुणाल, वो जो यहाँ पे नकली समीर बना हुआ था वो उसका नाम कुणाल है। समीर कुणाल? ये कुणाल का नाम सुन के तुम सबके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? सर, दरअसल कुणाल नाम का एक शख्स हमारा बहुत बड़ा पागल फैन था। हाँ सर, वो हमेशा हमें फोन किया करता था और कहता था कि वो हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है। अच्छा। हाँ सर। फिर जी, पर जब हमने उसे कहा कि ग्रुप में जगह नहीं है तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और हम सबको उसने जान से मारने की धमकी देने लगा। जान से मारने की धमकी? कमाल है सर, एक आदमी कराटे सीखने के लिए इस हद तक गिर सकता है कि लोगों को जान से मारने की धमकी देने लगे? खूनी नॉर्मल लोगों की तरह नहीं सोचते सचिन, उनका दिमाग टेढ़ा होता है, खोपड़ी घूम गई तो कुछ भी कर सकते हैं। इस कुणाल को किसने मारा? आप लोग कुणाल के किसी दोस्त को जानते हैं? नहीं सर। सर, इस अखबार के ऑफिस से कुणाल का एड्रेस मिल सकता है। ठीक है,
फिर उसके घर चल के ही पूछते हैं कौन है वो आदमी जो कुणाल का खून कर सकता है। हमें तो यकीन ही नहीं आता कि कुणाल ऐसा कर सकता है, वो किसी का खून कर सकता है। खून तो उसने किया ही है, कराटे सीखने के जुनून में उसने एक मासूम की जान ली है। कराटे सीखने का जुनून तो उसे बचपन से था सर, लेकिन हमें क्या मालूम था कि उम्र के साथ साथ उसका ये जुनून पागलपन बन जाएगा। अब कुणाल तो नहीं रहा, पर उसका खूनी अभी भी आजाद घूम रहा है। क्या आपको किसी पे शक है कौन मार सकता उसे? देखिए, कुणाल तो अब रहा नहीं है, तो बेहतर होगा अगर आप लोग कुछ जानते हैं तो खुल के बता दीजिए। कुणाल की एक दोस्त थी मालिनी, वो उसे बहुत प्यार करती थी और कुणाल ने भी उससे शादी का वादा किया था। तो फिर कुणाल ने वादा तोड़ दिया? हाँ, सिर्फ वादा ही नहीं तोड़ा बल्कि रिश्ता ही खत्म कर दिया, बेचारी का दिल तोड़ दिया। क्यों, कुणाल ने ऐसा किया क्यों? उसको लगने लगा मालिनी की वजह से वो कराटे को उतना वक्त नहीं दे पा रहा है जितना कि उसे देना चाहिए। तो कहीं इस मालिनी ने तो नहीं फोन कर दिया कुणाल का? नहीं सर, मालिनी उसकी जान कैसे ले सकती है, कुणाल की वजह से वो पहले ही आत्महत्या कर चुकी है। क्या, मालिनी ने कुणाल के लिए आत्महत्या कर ली थी? कमाल है, जरा जरा सी बात पे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं रही। अच्छा, आप लोग इस मालिनी के परिवार वालों के बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। क्या बात है सर, खूनी का पता चला क्या जो आपने हम सबको यहाँ पे बुलाया? हाँ, खूनी का पता चल गया, तो सोचा खुद आकर यहाँ सबको बता दे। सर कौन है खूनी? सर सर पहले इन लोगों को वो कहानी सुना देते हैं। कहानी? कैसी कहानी सर? कहानी सुना दे सर। चलो ठीक है, तो फिर सुनिए, ये कहानी है समीर नाम के एक लड़के की जिसने एक टीवी शो जीता रहा, जिसकी वजह से उसे यहां आकर कराटे सीखने का मौका मिल गया। कुणाल से देखा नहीं गया कि समीर लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहा है। जलन के मारे उसके कान से धुआं निकलने लगा। उसने एक प्लान बनाया, उसने प्लान बनाया कि समीर को मार देता हूं और मैं उसकी जगह ले लेता हूं। यहां पे कोई नहीं जानता था कि समीर दिखता कैसा है, इसलिए सबने कुणाल को ही समीर समझा। और यह सब करने में कुणाल का एक दोस्त भी था जिसने उसकी मदद की। दोस्त, दोस्त, जिस दोस्त ने फिर कुणाल का भी खून कर दिया। लेकिन ये दोस्त है कौन? ये वो आदमी है जिसकी बेटी ने कुणाल की वजह से आत्महत्या कर ली थी। अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए वो यहां तक पहुंच गया।
आत्महत्या? क्या आत्महत्या? आत्महत्या क्यों दिनेश बाबू, सच है ना ये? मैंने जो किया उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। बेटी की मौत का बदला दूसरे का खून करके नहीं लिया जाता। आपको क्या मालूम खुद की औलाद खोने का गम क्या होता है? ए, इनसे ये मत पूछना कि औलाद खोने का गम क्या होता है। अपने बेटे को अपने हाथ से गोली मारी इन्होंने, और उस वक्त सर के लिए ड्यूटी पहले थी, बेटा बाद में। तुम्हारी तरह नहीं कि बदले की आग में खून करने निकल पड़े। यहाँ के तुमने कुणाल से दोस्ती कर ली? उससे दोस्ती भी कर ली और समीर का खून करने के लिए भी तैयार हो गए। कुणाल समीर से पहले यहाँ आया था। मैं सर समीर, आपसे बात हुई थी। हेलो समीर। हेलो। हाय समीर। सर रिसेंट जो टीवी शो था मैंने वो जीता था, और आपका ग्रुप ज्वाइन करने की मेरी दिली तमन्ना थी। उसका विश्वास जीतने के लिए मैंने यही सफाई कामगार की नौकरी कर ली। जैसे असली समीर यहाँ आया हमने। समीर का सारा सामान जला दिया ताकि कोई सबूत न बचे, है ना? और कुणाल का खून कैसे किया? उसकी चाय में कुछ मिला था ना जिससे उसे हार्ट अटैक आ जाए? हाँ सर, मैंने ही केशु को भड़काया था, वो कुणाल को मारने आया। झगड़े में केशु ने उसके सीने में घूसे मारे और फौरन कुणाल को हार्ट अटैक आ गए। मैं तो नहीं हूँ साहब। नहीं जाओ, ऐसा करो सोनिया। साहब, साहब, मैं छोड़ नहीं हूँ साहब। ये ना सब उस समीर की वजह से हुआ है। समीर ने ही तुम्हारी शिकायत करी। समीर ने करी? मैं समीर को जान से मार दूंगा। और फिर मैंने समीर की लाश जलाई और सबको बुलाने भागा ताकि कुणाल मतलब नकली समीर अकेला रह जाए जब उसकी मौत हो। जितना दिमाग तुमने दो दो खून करने में लगाया, अगर उतना ही दिमाग किसी अच्छे काम में लगाते तो आज जेल में नहीं जाना पड़ता। अब 15-20 साल तक जेल में सड़ते रहना, तब तक फांसी का ऑर्डर आएगा ही आएगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.